हेलो दोस्तों, हाउस प्लैनेट टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग लेकर आया हूं, अगर बात करते हैं उस मकान की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 40 फीट, और जो हमारी मकान की लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है कि 25 फीट है। तो 25 × 40 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा, और इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसके सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 फीट बाई 10 फीट 9 इंच के अंदर हमारा पोर्च रहेगा, और पोर्च के इस तरफ हमारे पास है घर का मेन डोर 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो मेन डोर होता है लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास आई है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 3 फीट की विंडो यहाँ पर पोर्च की तरफ निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है। और इस लिविंग एरिया के सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास 5 फीट चौड़ाई के अंदर ये हमारे पास है कॉरिडोर, और कॉरिडोर किस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास आई है 10 फीट बाई 12 फीट 9 इंच, जिसकी एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर और एक 4 फीट की विंडो यहाँ पीछे निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास स्टेयर रहेगा, यहाँ सब करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3 फीट बाई 3 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा, और एक 3 फीट की विंडो यहाँ पर और निकल रही है। फिर इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेयर केस के पीछे यहाँ पर 2.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास आई है 5 फीट बाई 7 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आता है तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास आई है 10 फीट बाई 12 फीट 9 इंच, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पीछे और एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास आ जाए 10 फीट बाई 10 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है, और डाइनिंग एरिया के साथ में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास आ जाए 10 फीट बाई 10 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने और एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 40 फीट मकान की चौड़ाई रहेगी, 25 फीट मकान की लंबाई रहेगी। यहाँ सामने की तरफ रहेगा पोर्च, ये घर का मेन डोर, ये मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो एंटर होता है लिविंग एरिया के अंदर। इसे सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर 5 फीट चौड़ाई के अंदर हमारा रहेगा कॉरिडोर, फिर यहाँ पर हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम, ये कॉमन टॉयलेट, यहाँ पर रहेगा स्टेयर, ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम, इस तरफ आते हैं तो डाइनिंग एरिया, और ये हमारा किचन रहेगा। तो अगर ये डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिजाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।